सभी को मेरी प्यार भरी नमस्कार। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल क्रिएटिव सोनियाज होम। मेरी वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक और शेयर कीजिए और अपने व्यूज़ भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सबकी फेवरेट शाही पनीर की रेसिपी। तो आइए जानते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। इसके लिए हमें 3 मीडियम आकार के प्याज, 1.5 से 2 इंच अदरक, 8 से 10 कली लहसुन, 2-3 हरी मिर्च, इन्हें मैंने मोटा मोटा ही काटा है, 250 ग्राम टमाटर, इन्हें भी मोटा मोटा ही काट लें, हरा धनिया, इसे बारीक काट लें। इसके अलावा हमें चाहिए नमक स्वादानुसार, लाल मिर्च पाउडर 1/4 छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1/4 छोटा चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच, जीरा 1 छोटा चम्मच, गरम मसाला 1/2 छोटा चम्मच, 3 से 4 तेज़पत्ते, कसूरी मेथी 1 बड़ा चम्मच, शाही पनीर मसाला 1 बड़ा चम्मच, मक्खन 1 बड़ा चम्मच, रिफाइंड 2 से 3 चम्मच, और फ्रेश क्रीम या मलाई 3 से 4 चम्मच, थोड़ा सा दूध और पनीर 250 ग्राम, थोड़ा सा पानी, और इसके अलावा हमें 1 से 2 चम्मच टोमेटो केचप या फिर थोड़ी सी चीनी चाहिए होगी। सबसे पहले कढ़ाई में रिफाइंड गरम कीजिए, इसमें जीरा डालिए और तेज़पत्ता डालिए, फिर अदरक लहसुन डालिए और प्याज डालिए और प्याज को गुलाबी होने तक भूनिए, फिर इसमें टमाटर डाल दीजिए और साथ ही नमक मिर्च और हल्दी डालकर मिक्स कीजिए, फिर इसमें थोड़ा पानी डालकर थोड़ी देर के लिए ढककर पकाइए। जब टमाटर थोड़ा नरम पड़ने लगे तो इसमें शाही पनीर मसाला डालिए और साथ ही थोड़ी चीनी या फिर टमाटो केचप डालिए। जब सारी चीज़ें अच्छे से गल जाएं तो गैस ऑफ कर दीजिए और इस मसाले को थोड़ा ठंडा होने दीजिए, फिर इसे मिक्सी में पीस लीजिए और फाइन पेस्ट बना लीजिए। अब कढ़ाई में थोड़ा बटर डालिए और इस पेस्ट को डालकर थोड़ा सा भूनिए। अब इसमें जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्च पाउडर और कसूरी मेथी भी डाल दीजिए। थोड़ी देर के लिए इसे और पकने दीजिए। अब मलाई या क्रीम जो भी आप ले रहे हैं उसमें थोड़ा दूध मिला के उसे पतला कर लीजिए और इस ग्रेवी में मिक्स कर दीजिए। मिक्स करते समय इसे लगातार चलाते रहें। और अब इसमें पनीर डालिए और थोड़ी देर और ढककर पकाइए, फिर इसे हरे धनिए से सजा लीजिए और लीजिए, आपका शाही पनीर तैयार है। इसे गर्मा गर्म परौंठे, लाच्छा परौंठा या फिर फुलके के साथ सर्व कीजिए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये रेसिपी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है ना। आपके लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। मेरी और वीडियोस देखने के लिए मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव सोनियाज होम को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।